इतने के बुक में क्या किया, जैसा अभी हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किया था ना, एक एक चीज हमने डिस्कस करी, वो चीजें आप लोगों को क्लियर होगी ना बिल्कुल, वैसे यस ही हर एक टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये मेटल और मेटलर्जी है, इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों को बेसिक कुछ ना कुछ बेसिक बैकग्राउंड तो चाहिए, बिना बैकग्राउंड के आप उसको समझ नहीं सकते हो मुझे जैसा लगता है, क्योंकि उसके बिना आप तकरीबन रट्टा फिकेशन ही लगाओगे इस सब्जेक्ट में, तो शुरू में हो सकता है मे भी टाइम ज़्यादा लगे, सेकंड यूनिट जैसे हम कंप्लीट करवाएंगे आपको लगेगा सर सर ने अभी तक एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाया और कम से कम 2-3 लेक्चर ले लिए, आपको ये फीलिंग जरूर आएगी, तो पेशेंस बनाए के रखना, आपको पता नहीं चलेगा सेकंड से हम थर्ड में कब एंटर कर गए, जैसे जिसका जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना सीढ़ी पे वैसे ही हम उसका टॉपिक करते रहेंगे, ठीक है, जो चीज़ मैं करवाऊँ बस वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, बस उस चीज़ पे फोकस रखना, जो टॉपिक आपका आएगा बुक के अंदर आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लियर, चलो स्टार्ट यस करते हैं, सर। ठीक है। देखो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, कुछ कंसेप्ट क्या है, स्लिप प्लेन क्या होता है और स्लिप डायरेक्शन क्या होता है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सर हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, समझ में आए, जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंस है, स्लिप प्लेन क्या होता है, स्लिप डायरेक्शन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं पहले। देखो जैसे कि मैंने यूनिट सेल आप लोगों को बताया था, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं कोई भी एक स्टूडेंट बता दो, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, किसी को नहीं पता, सर 7 सेवन टाइप के होते हैं, क्लियर, उसमें हमने क्यूबिक यूनिट सेल किया था उस वो कितने टाइप के थे, क्यूबिक सर 3 तीन टाइप के थे, पहला था सिंपल क्यूबिक हो गया, दूसरा हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, तीसरा हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ये क्या, उसके बाद सेकंड टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल के बाद सेकंड टाइप का आता है हेक्सागन क्लोज्ड बैग्ड, ये किया हमने, तो इनके बारे में मैंने कुछ एलिमेंट के नाम बताए थे, वो एलिमेंट है आपको याद है कौन कौन से एलिमेंट है, FCC में कौन से हैं, सिंपल क्यूबिक में कौन से हैं, BCC में कौन से हैं, इन एलिमेंट को याद रखना क्योंकि इसको हम यूज करते रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया, तो कोई बिना लॉजिक के मैं आपको वैसे भी बिना ऑर्डर के भी मैं आपको याद करवा सकता था, लेकिन मैंने ऑर्डर से ही इसलिए करवाया जिससे आपको याद रहे चीजें, ठीक है। देखो स्लिप प्लेन का मतलब क्या है और स्लिप डायरेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है आप लोगों को, प्लेन की अगर बात करें हम, प्लेन की बात करें प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, यस और नो, 2D होता है, यस ठीक है, यस सर और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन मतलब लाइक सिंगल लाइन किस डायरेक्शन है, ऐसे ही तो इंडिकेट करते हो, जस्ट लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी को आप इंडिकेट करते हो ऐसे ही तो इंडिकेट करते हो बाय एरो हेड से, जिस साइड हेड आपका डायरेक्टेड होगा वही तो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में तो आप जा रहे हो, जैसे मैं बात करूं इसमें एग्जांपल के, अगर मैं बात करूं जैसे मैं कोई भी यूनिट सेल बना दूं सिंपल क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल बना दूं मैं कोई भी, ये हो गया आपका क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ये हमने बात कर रहे थे, ये कुछ हैं आपको डायरेक्शन बताए थे से, इस डायरेक्शन को आप मान सकते हो वाई, इस डायरेक्शन को आप जेड मान सकते हो, अकॉर्डिंग टू राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है जो रिकॉग्नाइज है वर्ल्ड में, वैसे तो हम इसको वाई को हम क्या मानते हैं, वाई को जनरली हम एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं इसको जेड मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ स्टैंडर्ड को कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर मैं बात करूं
अगर मुझे कोई डायरेक्शन बनाना है तो मैं इसमें कैसे डायरेक्शन बताऊंगा? एक डायरेक्शन तो ये हो सकता है, एक डायरेक्शन तो ये हो सकता है अलोंग वाई, हो सकता नहीं हो सकता, एक आपका क्या हो सर। सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है, और एक आपका क्या हो सकता है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के अलोंग हो सकता है, वाई के अलोंग हो सकता है, जेड के अलोंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर दिस इज आवर ओरिजन, ये क्या आपका, सर ये ओरिजिन है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो वेक्टर क्वांटिटी हो या किसी चीज को हम रेफरेंस लेते हैं, तो किसी पर्टिकुलर चीज की रिस्पेक्ट में तो रेफरेंस करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट कहता है सर मैं 40 किलोमीटर गया हूँ अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार कॉलेज से, मैं 40 किलोमीटर गया हूँ, तो आप कैसे बताओगे? 40 किलोमीटर गए हो तो आप एक डेस्टिनेशन आपने बता दिया, ओरिजिन तो बताओगे अपना, सर यहां से गया हूं, तो ओरिजिन क्या आपका, यहां से गए हो आप, इज इट क्लियर, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया, समझ गए बात आप लोग, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर डेस्टिनेशन है मेरा, सपोज मुझे यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, बता दिया इतना डिस्टेंस है। एक कहता सर मैं इस डायरेक्शन में होते हुए जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा जब 40 किलोमीटर होगा, लाइक दैट, सर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा जब 40 किलोमीटर होगा, समझ में आ गई बात, डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, जी सर। मतलब डायरेक्शन आप एक ओरिजिन की रिस्पेक्ट में दोगे और डेस्टिनेशन आप कहाँ जाना चाह रहे हो दे सकते हो ना, लाइक दैट आप ऐसे भी दे सकते हो सर मुझे यहाँ पहुँचना है, ये डायरेक्टेड हो गए, कहाँ से चल रहे हो, यहाँ से चलते हुए यहाँ जाना है, एक कहता है इसी के अलोंग चल रहा है मुझे, समझ में, इतनी बात समझ गए सभी, सर ठीक है। आप देखो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लेन क्या होता है, ये चीजें एक एक चीज समझते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी आपको। अब देखो प्लेन को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, प्लेन कैसे हो सकता है? एक स्टूडेंट कहता है सर मेरा प्लेन हो सकता है जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इज इट क्लियर, एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, ए बी सी डी, सर ये हो सकता है, ये हो सकता है सर मेरा ए बी सी डी, जो ये प्लेन है ये मेरा क्या है, प्लेन है, एक प्लेन हो गया, जी सर। एक्स जेड प्लेन हो गया, दिस इज एक्स जेड प्लेन। एक बच्चा कहता नहीं सर एक्स जेड प्लेन नहीं है, एक बच्चा कहता है सर एक्स जेड प्लेन नहीं है, कहता है सर वाई जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, वाई जेड, तो मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, नजर आया आप लोगों को, जी सर। 1 2 3 4 प्लेन आपको नजर आ गया, विजुलाइज कर सकते हो अच्छे से, ये हो गया हमारा प्लेन, सर। ठीक है, मतलब आप पहचान सकते हो ना कौन सा प्लेन है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, ठीक है, हर यूनिट सेल में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते, यस सर। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है किसी भी इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, इन पर्टिकुलर यूनिट सेल सेल के अंदर सेवरल नंबर ऑफ प्लेन्स एंड डायरेक्शन, समझ गए बात। अब दूसरी बात, ये तो प्लेन के बारे में भी हमें समझ में आ गया, अब मुझे एक बात ये बताना, अगर मैं ये प्लेन बना दूं, लाइक दैट ये प्लेन बना दूं, ये प्लेन बना दूं, ये प्लेन होगा ना, एक ट्रायंगल बना दूं, ये भी एक प्लेन होगा या नहीं होगा,
ये देखो एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कौन सा है? ये तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ही आएगा, मिक्स हो सकता है ये। अब इसमें देखो किस में चल रहा है, एक्स में भी चल रहा है। आप देखो ओरिजिन से कहाँ कितना चल रहा है, एक्स में चल रहा है, जेड में चल रहा है, वाई में भी चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? हो सकता है ना ऐसा प्लेन भी बन सकता है। इज इट ओके? ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर ऐसा प्लेन बनाऊंगा मैं, ये लाइक दैट, इसको इसको ज्वाइन कर दो, किसी एंगल पे है ना, किसी एंगल पे है या नहीं है? ये देखो एक प्लेन मैंने बनाया आप लोगों को, आपको नजर आ रहा है? ये भी तो एक एंगल पे है, तो यस सर। सेवरल की जगह मैं कह सकता हूँ इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स और इनफिनाइट डायरेक्शन हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? कंसेप्ट क्लियर? किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है। इनफिनाइट का मतलब बहुत ज्यादा है अगर निकालने बैठोगे तो। रीड के लिए अब देखो, अगर इसमें देखोगे आप कितना चल रहा है, वाई में भी जा रहा है और एक्स में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है, तीनों में जा रहा है ना, लेकिन किसी एंगल पे आ रहा है। एक ऐसा भी तो प्लेन हो सकता है जैसे हमने सी डी सी बिछा दी इसी के अंदर, इसी कमरे के अंदर हमने एक जस्ट एक सी डी बिछा दी है। ये देखो बिछा रखे ना सी डी, इसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप, ये कोई भी एक स्टूडेंट है, ये जाता है इस सीडीओ के ऊपर से, इस प्लेन में जाता हो। स्टूडेंट कहता सर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है? मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इस प्लेन में जाना है और इस डायरेक्शन में जाना है। समझ गए बात? बोलो यार इतनी बात समझ आई नहीं आई? यस ठीक है सर। गुड। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, जिस प्लेन में जा रहे हो आप और उसी डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो और उसी प्लेन में जा रहे हो, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हो? अभी बताऊंगा। सिस्टम बोलते हैं, एक सिस्टम ही है एक तरह का ये, अभी बताऊंगा कौन सा सिस्टम है। थोड़ा सा आप वेट करो, एक बार मैं आपको स्लिप प्लेन का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। ठीक है, अभी आप रियलिस्टिकली आप इंजॉय करोगे मेटलर्जी को, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे मेटलर्जी। सर मेटलर्जी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इतनी चीजें पता चलेंगी आप लोगों को। सर ये मेटेरियल डक्टाइल है, ये आपका ब्रिटल है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं फ्यूचर में भी कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको। सर ये डक्टाइल है, ये ब्रिटल है, और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पता नहीं पता? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लोगों ने बनाया, बहुत बार बनाया हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रिटल में ऐसा क्यों होता है, डक्टाइल में ऐसा क्यों होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, ये सब चीजों का जवाब मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट वॉच करो और पेशेंस रखो, आप हर चीज समझ में आने वाली है आप लोगों को, और कोशिश करो हमेशा लाइव क्लास अटेंड करने की। ठीक है, अब देखो स्लिप प्लेन क्या होता है, स्लिप डायरेक्शन क्या होता है, अब याद रखना। स्लिप प्लेन का पहले बता देता हूं, स्लिप प्लेन क्या होगा आपका, देखो स्लिप प्लेन हमेशा याद रखना, जिस प्लेन में, ठीक है, स्लिप प्लेन कौन सा प्लेन है, जिस प्लेन की आप ऐसा लिख सकते हो विद इन यूनिट सेल, विद इन यूनिट सेल मैक्सिमम प्लेनर डेंसिटी, मैक्सिमम प्लेनर डेंसिटी हो किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, जिस भी प्लेन की मैक्सिमम डेंसिटी हो, जिस प्लेन की मैक्सिमम डेंसिटी हो, जिस प्लेन की मैक्सिमम प्लेनर डेंसिटी हो, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेन को क्या बोलेंगे, स्लिप प्लेन। स्लिप प्लेन। सबको बात समझ में आई, स्लिप प्लेन कौन सा होता है, यस और नो? जी सर। ठीक है, यस सर। हाँ ना सर, मैं बता देना मुझे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्लिप प्लेन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर
अगर मैक्सिमम किसी प्लेन की, अब मैंने आपको बताया प्लेन कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट मैं काउंट नहीं कर सकता सर, इतने सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट डिफरेंट उस पे लूंगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेप्ट पे लूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिलेंगे सर हमें। तो सर कोई ना कोई तो ऐसा प्लेन होगा सर जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, समझ में आ रही है बात? आप कहते हो सर को किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में अगर हम देखें कोई प्लेन, हमें चूज करना हो किस प्लेन में की डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा तो कोई ना कोई प्लेन तो होगा सर, एग्जिस्ट तो करता ही होगा उसके अंदर सर, उस प्लेन को हम बोलेंगे स्लिप प्लेन। इज इट क्लियर आप लोगों को बात समझ में आई? सर उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, स्लिप प्लेन बोलेंगे, जिस प्लेन की डेंसिटी क्या हो, प्लेनर डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो। अब एक स्टूडेंट पूछता सर सर आपने ये बात तो बता दी सर, कोई ना कोई तो ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करेगा, आपने अभी हमें एक डेमो डेमो दिया था कितने प्लेन इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे, सर कोई ना कोई तो ऐसा प्लेन होगा जिसमें मैक्सिमम प्लेनर डेंसिटी होगी, सर सर ये डेंसिटी मैक्सिमम होगी सर, डेंसिटी होती क्या है सर, व्हाट इज डेंसिटी, आप यही तो बोलोगे सर डेंसिटी को क्या होती है, प्लेन की डेंसिटी, कोई स्टूडेंट बता सकता प्लेन की डेंसिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम होना, ये कैच कर लो, सही बता रहा हूं आपको, रियल जूस होता है ना, जो जूस एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हूं मैं, वो चीज दे रहा हूं, नहीं अच्छे अच्छों को होम मेटलर्जी समझ में नहीं आती, फैक्ट बता रहा हूं, रट्टा मारते हैं और फिर बोलते हैं सर निकल गई, ये सेमेस्टर पार हो गया हमारा, मेटीरियल साइंस हमारा निकल गया सर, साइंस का पता नहीं कुछ पढ़ा था हमने मेटीरियल के बारे में, ऐसा मेटीरियल होता है ऐसा होता है, लेकिन हमें आज तक ये समझ में नहीं आया हमने क्यों ये स्टडी किया, ना हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया हम क्यों स्टडी कर रहे हैं उस चीज को, तो कोई एक स्टूडेंट बताएगा कि कौन प्लेन की डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, मैक्स नंबर नंबर ऑफ ऑफ एटम का होना, मैक्सिमम, नंबर ऑफ एटम। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ गया, देखो आप लोगों ने HHM सब्जेक्ट अभी जो चल रहा है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम के नाम से है, उसके अंदर आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड में वॉल्यूम, कितना मास है उस वॉल्यूम के अंदर, 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा पड़ा है, किसी चीज का मास भरा पड़ा है, ठीक है यही मतलब हुआ। और बेसिकली डेंसिटी क्या बताती है, डेंसिटी सिग्निफाई क्या करती है, वो चीज कितनी उसकी हैवीनेस है उसको रिप्रेजेंट करती है, डेंसिटी क्या बताती है कोई भी चीज की, जैसे आप कहते हो सर गर्म हवा है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सॉरी उसकी डेंसिटी बहुत कम है इसलिए वो हवा में उड़ रही है, ऊपर जाती जा रही है, उड़ रही मतलब ऊपर जाती जा रही है सर, ठंडी है, आप कहते हैं ना एयर ठंडी है, ये नीचे सेटल हो रही है सर, क्यों, हैवीनेस की वजह से। तो डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, आपने कभी भी देखा होगा जिसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, रैंडमनेस होगी और वो क्या है ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लो करेगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट को हमेशा याद रखो, क्या कंसेप्ट था वो, कंसेप्ट क्या था, हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी को अटेन करने की कोशिश करेगी हर बॉडी, कोई भी बॉडी हो, चाहे कोई भी बॉडी हो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्टेबिलिटी, हर कोई चाहता है ना कि सर मैं स्टेबल रहूं, इक्विलिब्रियम में रहूं, इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है स्टेबल, कुछ भी ना करना पड़े, सब बेड पे हूं आराम से इंजॉय है, सब कुछ पका पकाया मिलता रहे मुझे, कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं कुछ भी हार्डवर्क ना करूं, इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूं आप लोगों को इक्विलिब्रियम में नहीं रहना, किसमें रहना है, इन इक्विलिब्रियम में रहना है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, जिससे कि आप इक्विलिब्रियम को अचीव करोगे कभी ना कभी, जब नॉन इक्विलिब्रियम में रहोगे, अगर अभी इक्विलिब्रियम में रह गए हो, अटेन कर लिया अभी इक्विलिब्रियम में, तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आपको किस में जरूरत है, नॉन इक्विलिब्रियम में। तो इसलिए हर बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने की कोशिश करती है, मैंने आप लोगों को बताया, कभी आपने देखा कि पहाड़ के ऊपर से पानी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम सर पोटेंशियल एनर्जी की ओर ट्रेवल कर रही है, पहाड़ के उल्टा तो नहीं होता, रिवर्स प्रोसेस तो नहीं होता ना,
से ही तो आ रहा है, मतलब अगर रिवर फ्लो करते हुए आ रही है पहाड़ के ऊपर से, तो नीचे की ओर ही तो आएगी। यस और नो, समझ गए ना बात आप लोग? हाँ, सर। तो इसका मतलब सर मैक्सिमम प्लेन स्लिप प्लेन वो प्लेन है सर, कोई ना कोई तो इस यूनिट सेल के अंदर जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी तो होगी सर। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब सर ऐसा प्लेन जो क्लोजली पैक्ड है सर, क्लोजली पैक्ड एटम हो, एटॉमिक प्लेन हो, उसी को तो सर हम बोलेंगे मैक्सिमम प्लेनर डेंसिटी है। यस और नो, समझ गए बात? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस हाँ यस प्लीज, सर। किसी को कुछ पूछना है रेज हैंड कर लेना उस टाइम, अगर कुछ पूछना भी हो या वैसे भी पूछ सकता है। हाँ पूछना है किसी को कुछ? करें कंटिन्यू? सर। ओके ओके ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्लिप प्लेन कौन सा प्लेन है। अगर इस यूनिट सेल में मैं कहूं कि मुझे स्लिप प्लेन बताना है, तो कौन सा स्लिप प्लेन होगा सर? वो स्लिप प्लेन वो प्लेन है डायगनल जहां किसी ना कोई तो प्लेन होगा सर जहां एटम ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे तो ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब क्लोजली पैक्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली किसी प्लेन में ज्यादा, मतलब आपको मैं कहूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ ये मैंने कोई प्लेन ले लिया, ठीक है ये मैंने कोई प्लेन ले लिया, मैं कहता हूँ इसी प्लेन के अंदर 10 बच्चों को रहना है, एक प्लेन मैं ये ले लूँ, कहता हूँ इस प्लेन के अंदर 5 बच्चों को रहना है, 5 स्टूडेंट को इसमें रहना है, मतलब 5 एटम को इसमें रहना है और 10 एटम को इसमें रहना है, तो इन दोनों में से अगर मुझे स्लिप प्लेन को डिसाइड करना हो तो कौन सा स्लिप प्लेन होगा, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? टेन टेन एटम वाला। एटम की, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्लिप प्लेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, सर। गुड गुड। अब देखो स्लिप प्लेन का हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, आपने बताया इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स और डायरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे सर, कोई ना कोई तो इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन में से कोई तो ऐसा प्लेन होगा जहां सबसे इस यूनिट सेल के अंदर कहीं तो किसी प्लेन में ज्यादा होंगे, अगर सबके बराबर है तो कोई हमारा स्लिप प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है सर। अगर कोई प्लेन है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्लोजली पैक्ड हैं तो वो आपका क्या होगा, स्लिप प्लेन होगा। बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज स्लिप डायरेक्शन। क्या है स्लिप डायरेक्शन? अब स्लिप डायरेक्शन क्या होगा, कोई तो डायरेक्शन होगा सर जिसमें मैक्सिमम लीनियर डेंसिटी होगी, होगी नहीं होगी? होगी प्रेजेंट तो हो यार क्लास में या नहीं हो, रिस्पोंड कर दो यार। यस आप सर। समझो यार मेरी भी तो सिचुएशन समझो, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ाने में, तो रिस्पोंड करोगे तो उससे क्या है मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, तो मैं आपको सही तरीके से चीजें समझा पाऊंगा, बीच बीच में समझ में आ रहा है तो यस यस, ठीक है नहीं आ रहा है तो नो, पूछ लो रेज हैंड यस करके, सर। ठीक है? अब देखो मैं कह रहा हूं सर कोई तो विद इन यूनिट सेल के अंदर, विद इन यूनिट सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करूं मैं सर, उसमें कितने डायरेक्शन होंगे, कितने डायरेक्शन होंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर, इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होंगे सर, कोई तो डायरेक्शन होगा जिसकी मैक्सिमम लीनियर डेंसिटी होगी, बोलो यार यस सर। कोई तो डायरेक्शन यस होगा सर जिसमें मैक्सिमम लीनियर डेंसिटी होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम
क्लोजली पैक्ड हैं इन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, स्लिप, स्लिप डायरेक्शन। स्लिप डायरेक्शन। इज इट क्लियर? चीजें समझ में आ गई? स्लिप डायरेक्शन क्या, स्लिप प्लेन क्या है? अच्छा ठीक है, यस गुड गुड। अब एक बात समझो सर, कोई तो ऐसा प्लेन होगा जिसके अंदर, कोई तो ऐसा स्लिप प्लेन होगा इसके अंदर, किसी यूनिट सेल के अंदर कोई तो क्या होगा, स्लिप प्लेन होगा। और किसके अंदर, किस डायरेक्शन के, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग होगा मैक्सिमम डेंसिटी या मैक्सिमम पैक्ड होंगे एटम। समझ में आ रही है बात? ठीक है ठीक है, पहला पॉइंट कवर कर लिया, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है देखो, यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हैंग हो गया सिस्टम। वेट वेट, ठीक है। सेकंड इज ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एटम्स मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पोजिशन टू अनदर इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एटम मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पोजिशन टू अनदर इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, फुल स्क्रीन नहीं होती है इसमें। ठीक है देखो, कहने का मतलब है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हो आप लोग, कोई भी एक स्टूडेंट बता दो। प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन सर, परमानेंट डिफॉर्मेशन। कोई भी बॉडी है, अगर मैं उसको हथौड़े से पीटना स्टार्ट कर दूं, सपोज इनिशियली से माइल्ड स्टील की एक हमारे पास रोड थी, उसको मैंने पीटना स्टार्ट कर दिया, एक वायर बन गई, एक सीट बन गई, किसी सीट है कोई आपके पास है 25 मिलीमीटर की, मान लो कोई माइल्ड स्टील की है आपके पास प्लेट, उसको आपने पीटना स्टार्ट किया, हैमरिंग करना स्टार्ट किया। हैमरिंग मीन्स बाहर से एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो आप। जब बाहर से आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो किसी बॉडी पे, तो वो क्या है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होगी, इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। यस और नो? यस सर। है इस बात को समझ गए हो सभी? प्रैक्टिकली क्या है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसको हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हैमरिंग कर रहे हैं बाहर से, अगर उसकी, आप हैमरिंग करने के बाद उसकी अगर शेप चेंज हो रही है, इसका मतलब वो क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया उसका या नहीं? हो गया सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बोले ये तो सबको पता सर, इसमें नई चीज क्या सर? आप लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर ये तो सबको पता है सर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है उसकी शेप होना, चेंज होना। मैं कहता हूँ पता तो सबको है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लेकिन इंटरनल बात किसी को नहीं पता इसमें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में एक्चुअल में हो क्या रहा। ये तो आपने बाहर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो बात आपको समझ में आ गई, आप लोगों ने पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, पढ़ी थी नहीं? पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोमीन्स लार्ज और माइक्रोमीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, जस्ट लाइक अ पॉइंट। तो सर ये तो बॉडी के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं वो तो हमें पता चल रहा है सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से, बट सर
एटॉमिक लेवल पे क्या बिहेवियर हो रहा है वो हमें क्या पता सर, समझ में आ रही है बात सर? सर नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आया समझ में जो मैं कह रहा हूँ? आ गया सर। गुड गुड, जितना करवा रहा हूँ वो समझ में आया तो और भी आएगा, घबराना मत सर। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब तो समझ में आ रहा है, अगर मैं किसी बॉडी को हैमरिंग कर रहा हूँ बाहर से, हथौड़ा से पीट रहा हूँ, उसकी शेप चेंज हो रही है, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया सर। बट उस मटेरियल की एटॉमिक लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे होंगे सर? सर एटॉमिक, क्योंकि हमें पता है सर मटेरियल क्या है, एटम से ही तो बना हुआ है सर। हमने स्टार्टिंग में देखा था कैसे बना था, इनिशियली एटम था, एटम से क्या बना, यूनिट सेल बना, हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था? हर चीज सर, बतानी पड़ती है, ये देखो हर चीज बतानी पड़ती यस है, सर किया था। ये देखो ये देखो। ये देखो इनिशियली लिक्विड एटम बना, एटम इनका ग्रुप ग्रुप बना, न्यूक्लिएशन प्रोसेस से यूनिट सेल बना, उसके बाद 3D रिपीटेशन हुआ, उसके बाद डिफेक्ट्स, हमने ये स्टडी करना है। अभी डिफेक्ट वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बुक के अंदर बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा है सर, ये तो 1 सेकेंड में हो गया, इसको हम पढ़ने में कम से कम 4-5 लेक्चर लगा देंगे इसी को स्टडी करने में, और ये खत्म होगा तो यू मान लो दूसरे चैप्टर का आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे चैप्टर का भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? अब देखो सर, अब हमें एटॉमिक लेवल पे इसका बिहेवियर देखना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या हो रहा है। एक्चुअल में तो हमें पता चल गया सर शेप चेंज हो रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब सर शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो रही है, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो रही है, ठीक है सर? सर लेकिन एटॉमिक लेवल पे क्या होगा वो चीज समझनी पड़ेगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा मतलब जब भी शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी, उस टाइम क्या होगा, एटम मूव करेगा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसको समझते हैं। एक बच्चा कहता है सर एटम मूव करेगा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन, सर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, कौन सी होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन? बताओ यार, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है सर जिससे एटम को मूव करके दूसरी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करना है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये में ये चीज होने वाली है एटॉमिक लेवल पे, मैं क्या बता रहा हूं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर ये चीज होने वाली है एटॉमिक लेवल पे। क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एटम मूव करेगा अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? कोई भी एक बच्चा बताओ यार, कोशिश करो यार, जब तक आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तो आपके कंसेप्ट खुद ही नहीं बिल्डअप होंगे, आप सर बताओ। डिफॉर्मेशन पहले सर देखो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब स्टेबल, कोई भी है स्टेबल है, सेटिस्फाइड है वो, यही मतलब हुआ, यस सर कोई भी एटम है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। लेकिन जब वो सेटिस्फाइड है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं वो अनस्टेबल पोजीशन होगी, उसका मेंटल लेवल बिगड़ेगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को डांट दो, उसका मेंटल लेवल पे ही तो डिपेंड करेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसको पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा, कैसे लेगा। उसी तरीके से तो अपने अंदर डिफॉर्मेशन लेके आएगा, इंटरनल डिफॉर्मेशन जो लेके आएगा, यस और नो? अभी एटॉमिक सर। लेवल की तो बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब एटम के मूवमेंट की वजह से ही तो शेप चेंज हो रही है एक्चुअल में, समझ रहे हो ना बात, एटम के मूवमेंट की वजह से ही तो शेप चेंज हो रही है। अब देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं डिटेल में बता दूंगा फिर आगे मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो आपको कहीं भी पूरे मेटलर्जी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? देखो मान लो दो एटम ले लेता हूं मैं, एक एटम ये है और एक एटम ये है, अब ये देखो दो एटम है, अब ध्यान से देखना, एक एटम ये,
इनिशियली क्या था, मटेरियल कैसे था, लिक्विड स्टेट में था। देखो आपको समझाने के लिए एक बार मुझे स्टार्टिंग से कोई मटेरियल का कैसे ओरिजिन हुआ उस वैसे ही आपको बताना पड़ेगा। जब आपका लिक्विड स्टेट में था तो क्या हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट एटम बन रहे थे नहीं बन रहे थे, और वो एटम क्या थे, एक दूसरे से दूर थे लिक्विड स्टेट में, इन लिक्विड स्टेट में। लेकिन जैसे जैसे आपका सॉलिडिफिकेशन हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये नजदीक आते जा रहे थे, और एटम जो बन रहे थे उनकी क्या हो रही थी, आपस में ग्रुपिंग हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब यस मुझे सर एक बात बताना, कोई भी एटम है उसके सेंटर में क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है। गुड गुड, मतलब आपको चीजें क्लियर हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस हो गया। और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सर गुड, बहुत बढ़िया। आप इसका मतलब तो आप लोगों को चीजें क्लियर हैं, बेसिक पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KLmn। जैसे देखो मुझे भी काफी टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए, लेकिन फिर भी इतना तो पता ही हमें, बेसिक ऐसे होते हैं। 2881 हो गया, कितना हो गया, 10, 18, 19, 19 इसका हो गया है ना, ऐसे होते हैं। अनस्टेबल, स्टेबल होने के लिए कंप्लीट ये होने चाहिए, फुलफिल्ड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सर ठीक है। देखो अब देखो आगे, जब ये एटम लिक्विड स्टेट में थे, दूर दूर थे, जैसे सोलिडिफिकेशन होने लगेगी तो इन एटम के आपस में ग्रुपिंग होगी, और एटम की ग्रुपिंग, जब बहुत सारे एटम आपस में ग्रुपिंग होके क्या मतलब डेवलप कर देंगे, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की फॉर्म में, मतलब उनको सिंपल क्यूबिक में जाना है या BCC के अंदर जाना है, मतलब वैसे ही उनका अरेंजमेंट बन जाएगा उनकी ग्रुपिंग होने के बाद, ठीक है। तो सर ये ग्रुपिंग होगी कैसे, वो चीज समझते हैं। जैसे जैसे सोलिडिफिकेशन होगा ये नजदीक आता जाएगा, तो नजदीक आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहां से भी नजदीक आ रहा है, ये एटम भी नजदीक आ रहा है, और ये भी एटम नजदीक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल थे, जब ही तो अनस्टेबल है, जब ही तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बात, इसका यस मतलब तो यही सर है सर, ये अनस्टेबल थे जब ही तो अपनी जगह छोड़ के आपस में गेट टुगेदरिंग कर रहे हैं। एक एटम कहता नहीं सर मन नहीं लग रहा इस एटम की वजह से, दूसरा एटम कहता सर मेरा भी इसकी इसकी वजह से मन नहीं लग रहा, ग्रुपिंग करेंगे हम स्टेबिलिटी करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यस और नो, अट्रैक्ट यस होगा सर इनमें, फोर्स ऑफ यस सर अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, होगा नहीं होगा। यस सर ये बैलेंस ही हो रहे सर यार हेजिटेट मत करा करो, मैंने बताया था बहुत बार कि मेरी क्लास में हेजिटेट मत करो, जब तक पूछोगे नहीं तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे ही नहीं, जितनी बार पूछोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। बैलेंस बैलेंस हो रहे सर ये पूछ रहा हाँ था यही तो मैं बता रहा हूं, जो KLmn है उनके जो आउटसाइड में अनस्टेबिलिटी थी, अपनी स्टेबिलिटी को करने के लिए एक उसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक उसको देगा, उसको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब भी तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी उनके बीच में, होगी नहीं होगी शेयरिंग, यस सर लाइक दैट सर। ये देखो इसके साथ मैंने रिलेशन डेवलप कर लिया, धीरे धीरे ये क्या होंगे, धीरे धीरे ये सब पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक दैट। देखो पहले कितना दूर थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो गए। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, इनके सेटिस्फाइड हो गए, स्टेबल हो गए, हो गए नहीं हो गए, स्टेबिलिटी हो गए। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, जिसके
इस किसकी वजह से बॉन्ड बना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो इनके बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ। सर फिर फर्दर क्या होगा? सोलिडिफिकेशन तो फिर भी होगी सर, न्यूक्लिएशन प्रोसेस से एटम की ग्रुपिंग होगी, नजदीक तो फिर भी और आते जाएंगे सर, क्योंकि हम कह रहे हैं सर टेम्परेचर कम होगा तो ये और नजदीक आ रहे, तो और नजदीक आएंगे तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने सेटिस्फाइड कर लिए, बच गया कौन सर? न्यूक्लियस। बोलो यार, बच गया कौन? यस सर, न्यूक्लियस सर। हाँ न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस बच गया, ये देखो न्यूक्लियस बच गया सर। अब ये और नजदीक आएंगे तो इनके न्यूक्लियस आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे? सर जब न्यूक्लियस आपस में टकराएंगे तो क्या होंगे? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन 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 प्लस न्यूट्रॉन, यही होते हैं। न्यूट्रॉन का रोल खत्म, सर अब किसका रोल हो गया? प्रोटॉन का। प्रोटॉन इसका, प्रोटॉन इसका। जब प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में टकराएंगे तो क्या होगा इनके बीच में? रिपल सर, रिपल्शन सर। रिपल्सन सर, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया सर, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया सर। सर पहले तो दूर जा रहे, पहले तो हम पास आ रहे थे सर, बहुत ज्यादा पास आ गए सर, बहुत ज्यादा पास आ गए। अब हमें नफरत होने लगी सर एक दूसरे से, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया सर। तो रिपल्सन हो गया तो अब ये क्या है, एटम दूर दूर चले जाएंगे है ना? किसी पॉइंट पे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, किसी पॉइंट पे फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट होगा, यस और नो? ये बात बताओ मुझे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी पॉइंट पे स्टार्ट होगा नहीं होगा? और यस कहां से सर, किसी पॉइंट तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन भी स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे तो क्या है, इनके बीच में रिपल्सन कम होता जाएगा नहीं होता जाएगा? होगा फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, यस और नो? सर। तो यही तो मैं बात बता रहा हूं, आप जब लिक्विड स्टेट में था एटम नजदीक आने लगे और आपका क्या बन गया, आपका क्या बन गया? एक पर्टिकुलर यूनिट सेल बना दिए। देखो पहले तो ग्रुपिंग हो रही, ग्रुपिंग हो रही, ग्रुपिंग हो रही। अब ये आइटम कहाँ चला गया सर? मैं कॉर्नर में जाऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा सर, मेरी इसके साथ नहीं बनती, मैं भी कॉर्नर में जाऊंगा। ये कहता है सर मेरी भी इसके साथ नहीं बनती, मैं भी कॉर्नर में जाऊंगा। एक कहता है तुम सब जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कौन कहता है ये? सी आर प्रोटॉन ऑफ योर क्लास कहता है सर मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं इन सबको देख लूंगा, बॉडी सेंटर्ड हो गया हूं मैं, वहीं का वहीं रहूंगा मैं, बाकी चले गए कॉर्नर में। तो सीआर यहीं बैठा रहता है क्लास में, क्लियर? तो जब ऐसा हो गया तो कौन सा बन गया ये, कौन सा बन गया ये? बॉडी सेंटर बीसीसी यूनिट सेल बन गया सर, बीसीसी यूनिट सेल, इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आया यस कैसे सर, आपका यूनिट सेल बन रहा है सर? ये एटम यहां क्यों चला गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो रहा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? लेकिन अब क्या है सर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर लिया सर इसने, ठीक है? अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब समझना, कोई भी एटम अगर इक्विलिब्रियम में है, ध्यान देना, कोई भी एटम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन सर, जब ही तो होगा स्टेबल सर। कोई तो ऐसा एटम होगा, हर एटम की चाहत होती है उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए, ना वो उसको रेजिस्ट करे। जब उसको कोई खींचेगा ही नहीं अपनी और उसको आप नहीं और ना खींचेगा ना दूर भगाएगा, तो वो स्टेबल होगा नहीं होगा? यस सर, होगा ना? तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इसको दिमाग में सेटल करके रखना, जब आगे पढ़ोगे ना आप चीजें। अब मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा सर, इस इक्विलिब्रियम से जा रहा है, आपको ये खुद अंडरस्टैंड नहीं करना, फील करना है सब्जेक्ट को। जब फील करना स्टार्ट करोगे आप खुद जवाब देना स्टार्ट करोगे, अभी आप इतने कैपेबल नहीं हो पा रहे हो ना जवाब देना जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लगे, और मैं सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको मेटलर्जी इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, प्यार हो जाएगा आपको इस सब्जेक्ट से, समझ
सारे सब्जेक्टों को छोड़ के इस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओगे आप। सर इतना इंटरेस्टिंग, इतना बोरिंग सब्जेक्ट आपको इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आपको फॉल इन लव होने के लिए पहले आपको क्या बिल्डअप करने पड़ेंगे, अपने फंडे क्लियर करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ फॉल इन लव होने के लिए आपको पहले फंडे क्लियर करो। जब भी आपको फॉल इन लव होगा इस सब्जेक्ट से, फॉल इन लव हो गया फिर तो आप कुछ भी कर जाओगे, पता ही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, है ना, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। सर पहले ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा था, फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया ज्यादा नजदीक पहुंच गए तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन करने लगे, फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन से फिर ये दूर जाने लगे, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक ऐसा बीच में कोई ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट आएगा जहां ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वही पोजीशन उस एटम की क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। बात सबको क्लियर होगी, ठीक है, यस और नो बताते रहो मुझे समझ में आए। देखो ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जब यस भी सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एटम क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मूव कर जाएंगे, समझ गए। भी आपका एक टॉपिक है ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। यस सर तो वहां ये चीज आएगी, तो वो चीज मैं अभी बिल्डअप कर रहा हूँ कंसेप्ट, जब उस टॉपिक पे जाए तो सेकंड भी ना लगे हमें कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर मैं कोई भी मटेरियल लिया उसको मैंने हथौड़े से हैमरिंग करना स्टार्ट कर दिया तो एटम का क्या हलचल रहेगी, एटॉमिक लेवल पे क्या हलचल रहेगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हलचल रहेगी। सर मैक्रोस्कोपिक पे तो मुझे समझ में आ रहा है, हथौड़े से पीटने पे वो सीट बन रही है, कोई प्लेट है वो सीट बन रही है, हथौड़े से पीटने पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे वो क्या बन रही है, सीट बन रही है। लेकिन सर एटॉमिक लेवल पे क्या होगा वो चीज तो हमें समझनी पड़ेगी सर, यही होगा। अगर बाहर से फोर्स लगाओगे तो वो एटम कहाँ मूव कर देगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के कोई नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया और वही परमानेंटली डिफॉर्म्ड होगी। इसे फीलिंग आई कुछ सब्जेक्ट में इस टॉपिक में, यस सर गुड, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे कोई भी स्ट्रक्चर है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है मतलब परफेक्टली अलाइनमेंट है। जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा से शियर फोर्स लगा रहा हूं मैं, शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। अगर इसके अलाइनमेंट में ये मूव करना स्टार्ट हो जाए, ये मूव करना स्टार्ट हो जाए, ये मूव करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव करेगा, ये बात तो बताई थी सर। फिर आपने स्लिप प्लेन क्यों पढ़ा है, एटम एक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव करना है, लेकिन सर ये स्लिप प्लेन का क्या फंडा है सर, स्लिप डायरेक्शन का क्या फंडा है सर, जो आपने हमें समझाया है स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन का क्या फंडा है। हमेशा याद रखना किसी भी यूनिट सेल में, ये मैंने मान लो कोई भी यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर में आपका एटम का अरेंजमेंट दिखा दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने, ये 3D रिपीटेशन जब यूनिट सेल को बार बार रिपीट करोगे, ठीक है। तो सर जब भी हैमरिंग करेंगे तो हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, एटम हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में अलोंग स्लिप प्लेन होगा और स्लिप डायरेक्शन, स्लिप डायरेक्शन किसी स्लिप प्लेन के ऊपर होगा और उसी स्लिप के अंदर विद इन दिस विद इन स्लिप प्लेन मूवमेंट होगा अलोंग
स्लिप डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई? बोलो यार। यस सर। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ एक बार के लिए। हम बीसीसी यूनिट सेल को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कहाँ कहाँ एटम लोकेटेड है सर? यहाँ 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 और सर यहाँ भी, यहाँ 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 भी सर। ये बीसीसी है, कॉर्नर पे हो गया और एक बॉडी सेंटर्ड पे हो गया। सर इसमें मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा? मान लेते हैं ए बी सी डी, कौन सा प्लेन ले लिया? एक ले लिया हमने ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरा कोई दूसरा प्लेन ले लिया जिसमें बी सी सी भी आ जाए आपका हो, तो मैं कोई भी प्लेन ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये हो गया और ये हो गया, ये प्लेन ले लिया। ठीक है, एक प्लेन ये ले लिया। देखो फील करना, इसमें एटम कहाँ लोकेटेड होंगे? यहां 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 यहां। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? इसमें कहाँ एटम लोकेटेड होंगे? इतनी बात समझ आई? अब मुझे आपको स्लिप, मुझे मान लो बीसीसी यूनिट सेल ले लिया, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना। मान लो कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब कोई सॉलिड मटेरियल है आपके पास, है ना? समझ रहे हो ना, क्रिस्टल मतलब कोई सॉलिड मटेरियल है जिसको आप 3D रिपीटेशन करोगे यूनिट सेल को तो वो क्रिस्टल बन गया। कोई क्रिस्टल है उसको आप हैमरिंग करना स्टार्ट करते हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने लगते हो तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसके अलोंग होगा? किसके अलोंग होगा? स्लिप प्लेन्स। स्लिप प्लेन के लिए। और मैंने बता दिया सर, वो जो क्रिस्टल है जिस पे आप हैमरिंग कर रहे हो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा है? क्रिस्टल का माइक्रोस्ट्रक्चर है, माइक्रोस्ट्रक्चर मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय माइक्रोस्ट्रक्चर? बोलो यार। एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूनिट सेल, यूनिट सेल कोई तो एटो, यूनिट सेल विजिबल होता है नेक्ड आई से? नो जब आप उसको सर, विजिबल नहीं कर सकते तो माइक्रो स्ट्रक्चर ही तो है जिसको आप विजिबल नहीं कर सकते हो। इसको आप कह सकते हो ना, जो आपका ये क्रिस्टल है इस क्रिस्टल का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? बीसीसी है। अब मुझे ये पता चल गया, कोई भी क्रिस्टल है, ये तो एक बनाया हुआ मैंने, बहुत सारे 3D रिपीटेशन हो गए इसकी। ठीक है, तो मैंने कोई एक प्लेन ले लिया उसका, ठीक है, एक फ्रंट वाला ले लिया, एक जो मैंने ये दिखाया है ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये ले लिया। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा इनफ्राइट प्लेन में से कौन सा प्लेन है जिसके अलोंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है एटम मूव करेगा, तो किसके अलोंग मूव करेगा? स्लिप प्लेन के अलोंग ही मूव करेगा। इतनी बात समझ आई? स्लिप प्लेन के अलोंग मूव करेगा, तो फिर वो सोचेगा सर कौन से डायरेक्शन में जाऊं सर, प्लेन में तो दो डायरेक्शन होते हैं, कौन से डायरेक्शन में जाऊं सर, बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, कैसे जाऊंगा सर? मैंने बताया ना आपका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो, शॉर्टकट से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही है ना, तो ऐसे ही जब आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, हैमरिंग करोगे, तो जाहिर सी बात है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की शेप चेंज होगी, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की शेप चेंज होगी इसका मतलब स्लिप प्लेन के अलोंग मूवमेंट हुआ होगा, स्लिप डायरेक्शन में हुआ होगा, किसी स्लिप प्लेन के अलोंग एटम का मूवमेंट रहा होगा,
जो कि डिस्टोर्ट करेगा। मतलब मान लो ये पहले ऐसा था, कुछ हिस्सा मान लो नीचे से आगे चले जाए, कुछ हिस्सा आगे वहीं रह जाए। तो आप दिखाते हैं ना, बुक में भी दिखा रखा होगा, स्लिप प्लेन हो गया लाइक दैट। आप बुक में देखोगे इस तरीके से दिखा दिया होगा, ये बीच में से एक लाइन दिखा दी है, स्लिप प्लेन हो गया। ये हिस्सा मान लो आगे चला गया, और ये हिस्सा मान लो पीछे रह गया, पीछे रह गया आगे हो गया। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, आपका स्लिप डायरेक्शन हो गया, इसके अलोंग मूवमेंट हुआ है। और ये प्लेन क्या हो गया, कंप्लीट प्लेन क्या हो गया, जो ये कंप्लीट प्लेन है ये क्या हो गया, स्लिप प्लेन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, अब मुझे नहीं पता कौन सा प्लेन रहा होगा, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, अभी मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी करूँ आए इस कंसेप्ट को, ठीक है। स्लिप डायरेक्शन आगे मूव कर गया, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, अगर उल्टा बना दिया मैंने थोड़ा सा, अगर इसको आगे कर रहे हो तो इसको आगे दिखाओ और इसको पीछे दिखाओ, ठीक है। समझ आई बात या नहीं आई? तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा यस मूवमेंट, स्लिप डायरेक्शन में। तो वही चीज मैंने आपको बताई है, इनमें से अभी तो मैंने दो ही प्लेन लिए हैं। माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी है, कोई क्रिस्टल है उसका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी है। उसके दो प्लेन लिए, एक प्लेन ये ले लिया, एक ये ले लिया। फिर मैंने आपसे पूछा इन दोनों प्लेन में से बताओ, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी इनफिनाइट प्लेन पे स्लिप प्लेन मिले, लेकिन मैं इन दोनों में से पूछूं मेरे लिए स्लिप प्लेन कौन सा होगा इन दोनों में से, बताओ यार। सर, राइट हैंड साइड वाला, फिगर ए या फिगर बी? सर फिगर बी। गुड गुड, क्यों? क्लोजली पैक्ड है, डेंसिटी ज्यादा है, प्लेनर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया आपका स्लिप प्लेन स्लिप प्लेन। प्लेन्स तो डिफॉर्मेशन किसके अलोंग हुआ है, सी के अलोंग होगा। डिफॉर्मेशन किसके अलोंग होगा, प्लास्टिकली, इसी के अलोंग होगा। सर अभी तो आपने स्लिप प्लेन बताया एटम मूव करेंगे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, किस प्लेन के अलोंग मूव करेंगे, स्लिप प्लेन के अलोंग मूव करेंगे। प्लेन फिर एक बच्चे का दिमाग चल ही रहा था, वो भी किसका दिमाग चल रहा था, मान लो इस क्लास का सीआर ही था कोई भी, मान लो विशाल है, ठीक है। विशाल कहता है सर, या कोई भी एक्स वाई जेड है स्टूडेंट, वो पूछता है सर इस प्लेन में मैं कैसे जाऊं, कैसे प्लास्टिकली डिफॉर्म करूं एटम, किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, ऐसा तो नहीं है सर प्लेन पूरे प्लेन में कहीं भी घूमता रहूं मैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगा ड्यू टू रिएक्शन ऑफ, ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, यस और नो? यस सर। तो किस डायरेक्शन में होगा, कौन बताएगा? सर डायगोनल डायरेक्शन में होगा जहां पे ज्यादा एटम गुड होंगे। गुड, कौन है, करण? यस सर। हाँ गुड, देखो इस बच्चे को समझ में आ गया, डायगनल में होगा, क्यों होगा अभी मैं समझाता हूँ, इसका रीजन और बता दो तो मजा आ जाएगा करण। सर क्योंकि ज्यादा एटम कोलाइड, मतलब देखो क्लोजली पैक्ड तो है ये टाइट है प्लेन, सर। देखो इसमें कितने, एक हाँ दो क्लोजली तीन पैक्ड है चार, सर। एक दो तीन चार पांच, ज्यादा हो गए तो इसमें जगह कम होगी है ना, धक्का मुक्की मारेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा चांसेस है। आप एक बात बताओ, एक मैंने रूम ले लिया ए बी सी डी, ये प्लेन ले लिया, इसके अंदर कॉर्नर में बिठा दिए, जब मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो ए पे मैंने फोर्स लगाया, सपोज मान लो, फील करना, सब्जेक्ट को फील नहीं करोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। सर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में। अब सर ये यहां पहुंचने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, सर सी के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, सर इसका मतलब मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा चाहिए सर, यस और नो? मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा चाहिए, इसका मतलब सर मुझे मैकेनिकल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा चाहिए, यस और नो? बी को सी के पास ले जाने के लिए, देखो जगह खाली है तो ऑटोमेटिकली जाएगा, लेकिन ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा। एक मान लो भीड़ है आपको, मान लो आप अभी वैक्सीनेशन करवाने आए हुए हो, एक लाइन में लगा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मान लो आप
वैक्सीनेशन करवाने आए हुए हो और एक लाइन में लगा दिया सबको, जल्दी है सर सबसे पहले वैक्सीनेशन मैं करूंगा, तो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, चिपक रहे हो, भीड़ हो रही हो, जिससे क्राउडिंग भीड़ होती है, दूसरी ओर सोशल डिस्टेंस बनाया हुआ है एक दूसरे से, ए और सी ने बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंस बनाया हुआ है, पहले आप वैक्सीनेशन करो फिर मैं करूंगा, लेकिन हमारे बीच में एक सोशल डिस्टेंस रहेगा। अब एक बात बताओ, मैं हल्का सा फोर्स लगाऊं किसमें ज्यादा मूवमेंट होगा, फील करके बताना किसमें ज्यादा मूवमेंट होगा। हेलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले तो ये बता दो। बी में होगा, बी में होगा। देखो क्राउड है, एक बच्चे को धक्का मारो पूरी लाइन में ट्रेवल हो जाएगा, लास्ट स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टेक्ट में, तो थोड़ी सी एनर्जी में ही आपका क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। तो चांसेस किस में ज्यादा बढ़ गए, स्लिप लेन में ही होंगे, और किस डायरेक्शन में होंगे, स्लिप डायरेक्शन में होंगे। समझ गए बात, आपको इतना पता चल गया सर, इसमें तो हो नहीं सकते, इसमें नहीं हो सकते, इसमें होंगे लेकिन किस डायरेक्शन में होंगे, सर एक डायरेक्शन तो ये हो सकता है, एक डायरेक्शन सर ये हो सकता है, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग तो होगा, दिस इज स्लिप डायरेक्शन। देखो एक दूसरे चिपक रहे हैं, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक जेड डिस्टेंस, मान लो ये जेड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो किसमें मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा चाहिए, एक्स में चाहिए या जेड में चाहिए? जाहिर सी बात है एक्स में लेस मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी में ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, उसी में होगा। प्रोबेबिलिटी किस में बढ़ गई, डायगोनल के अलोंग ही तो बढ़ेगी, नॉन डायगोनल में तो नहीं बढ़ेगी, समझो इस बात को यार। और इसी डायगोनल प्लेन, इसी डायगोनल के डायरेक्शन को हम बोलते हैं स्लिप डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा मूवमेंट, तो ये क्या हो गया आपका स्लिप डायरेक्शन हो गया, ये स्लिप डायरेक्शन हो गया यहां से। तो अब जब बाहर से आपने हथौड़े से हैमरिंग करनी स्टार्ट करी, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ऐसा, अगर मान लो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसा है, बीसीसी है, तो उसमें कैसे ट्रैवलिंग होगी सर, डायगोनली मूवमेंट होगा, जो मैंने ये दिखा रखा है ना आपकी बुक में भी ऐसा दिखा रखा है, ये ऐसा दिखा रखा है, आपको फीलिंग ही नहीं आ रही, सर हमने फोर्स लगाया ये आगे चला गया ये पीछे चला गया, तो ये प्लेन कौन सा हो गया, ये आपका स्लिप प्लेन हो गया जो इन दोनों के बीच में, ये आपको 2D नजर आ रहा है, इसको अंदर जाओ, इसके मतलब अंदर वाले डायरेक्शन में जाओ तो प्लेन नजर आएगा फिजिकल कॉन्टेक्ट में, उसी प्लेन को हम स्लिप प्लेन बोल रहे हैं। किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में, ये स्लिप डायरेक्शन हो गया, तो ऐसे डिफॉर्मेशन होगा। तो यही तो आपको दिखा रखा है बुक के अंदर, स्लिप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होता है किसी का भी, ठीक है? चलो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो दूसरी बातें डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्लिप सिस्टम। क्या डिस्कस करते हैं? स्लिप सिस्टम। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीजें समझानी जरूरी है, ये नहीं समझाऊंगा तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये हो कह रहा है सर आयरन कार्बन डायग्राम कैसे बनेगा, और हुआ फेस कैसे बनेंगे, और डिफेक्ट में सही बताऊं बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला हूं मैं डिफेक्ट वाले टॉपिक में, क्योंकि एक्चुअल में क्या रूट वही है डिफेक्ट, इसलिए तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में आपको दिखाया था ना, क्रिस्टल के पहले ही लेक्चर में आपको समरी बना के दिखा दी थी कि इसमें आपको कैसे कैसे आपका फॉर्मेशन होगा, डिफेक्ट दिखाए थे। उस क्रिस्टल के बाद हम किसको पढ़ेंगे? डिफेक्ट। डिफेक्ट में पढ़ेंगे हम ग्रेन बाउंड्रीज वगैरह सब पढ़ेंगे इसके अंदर, एलोइज वगैरह भी पढ़ेंगे इसी के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है स्लिप सिस्टम। ये थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बस आपको फीलिंग दिलाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आपको सब्जेक्ट की फीलिंग रहे, यहाँ बोलो सर ये पेपर में बहुत चीज़ है, नहीं सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। स्लिप सिस्टम मतलब स्लिप प्लेन प्लस स्लिप डायरेक्शन, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, स्लिप सिस्टम बोलोगे। समझ में आ गए? बोलो यार, समझ में आ गई? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? कोई यूनिट सेल होगा सर, उसके अंदर कितने होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम भी हो सकते हैं,
इनफिनाइट नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम हो सकते नहीं हो सकते? यस सर। बात बताओ, एक ही यूनिट मिसाइल के अंदर भी बहुत सारे स्लिप प्लेन हो सकते हैं? यहाँ बोलो सर, एक ही ऐसा प्लेन मिलेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, एक ही प्लेन मिलेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। हो सकता है उनमें बराबर हो, तो दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं स्लिप प्लेन? हो सकते नहीं हो सकते? यस सर। समझो, अब एक मैंने ये प्लेन दिखा दिया, अगर एक और कट करता उसमें भी अगर ये एलिमेंट आ जाए तो उसमें भी तो बराबर ही आ रहे हैं, ऐसा ही तो वो प्लेन बनेगा। तो स्लिप प्लेन भी तो बहुत सारे बन सकते हैं और स्लिप डायरेक्शन भी बहुत सारे बन सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे? स्लिप प्लेन के अंदर किसी यूनिट सेल के अंदर कोई स्लिप प्लेन देखो, फिर उस स्लिप डायरेक्शन भी देखो, उसी के अंदर प्लेन के अंदर किस डायरेक्शन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलोगे? स्लिप सिस्टम। क्या बोलोगे? स्लिप सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो आपके कितने हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, फील करना इस बात को। स्लिप प्लेन कितने, मान लो चार है स्लिप प्लेन, एक दो तीन चार, कितने हैं स्लिप प्लेन है किसी यूनिट सेल के अंदर? स्लिप मतलब सारे एक बराबर हो गए तो सारे स्लिप प्लेन होंगे, यस और नो? विद इन यस सर, विद इन यूनिट सेल, किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, मान लो से कह रहा हूं, मतलब एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, चार है मान लो, डायरेक्शन कितने, तीन है, ए बी सी, तीन डायरेक्शन है, ये क्या हो गया? स्लिप डायरेक्शन है। मतलब इसी प्लेन में हम तीन स्लिप डायरेक्शन के अलोंग ही जा सकते क्योंकि वहां क्या क्लोजली पैक्ड है ज्यादा, तो तीन ही प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब मैं कहूं स्लिप सिस्टम कितने हो गए आपके, स्लिप सिस्टम कितने हो गए, बोलो यार स्लिप सिस्टम कितने हो गए? सेवन। देखो, वन ए वन बी वन सी, मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी, टू ए टू बी टू सी, लाइक डैट, कितने हो गए, फोर ए फोर बी फोर सी, काउंट कर लो कितने हो गए, कितने हो गए, बारह हो गए ना? समझ में आ गए स्लिप सिस्टम कितने हो गए? अब मैं कुछ आपको